A and B started their journey from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed the remaining parts of their journey in 6 1/8 hours and 8 hours respectively. If the speed of B is 28 km per hour, then speed of A in km per hour is. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू पॉइंट्स है एक्स और वाई. एक्स से ए स्टार्ट कर रहा है बी की तरफ और वाई से बी स्टार्ट कर रहा है एक्स की तरफ. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और इनका कोई मीटिंग पॉइंट होगा, तो मान लो यहाँ पे कोई मीटिंग पॉइंट एम था, ठीक है. तो ए एक्स से मीटिंग पॉइंट एम तक आया होगा, उसके बाद फिर डेस्टिनेशन Y तक गया होगा, और B Y से स्टार्ट करने के बाद मीटिंग पॉइंट पे आया होगा और फिर यहाँ से M से X तरफ आया होगा, ठीक है. कुछ इस तरह से जर्नी कंप्लीट हो रही है. क्वेश्चन में ये गिवन है स्पीड ऑफ B 28 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है. और एक चीज और गिवन है कि ए एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन 6 1/8, दैट इंप्लाई ये जर्नी है 49/8 आवर्स में, और बी ने जो रिमेनिंग जर्नी है, जो बची हुई जर्नी है, वो 8 आवर्स में कंप्लीट किया है, ठीक है. तो आपसे पूछ रहा है कि ए की स्पीड क्या होगी. मैंने इस तरह के कई वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है. एक सिंपल सा हम रिजल्ट का यूज करते हैं, वो कैसे रिजल्ट आता है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है. वो रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बेसिस पे इजीली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बता देता हूँ. होता क्या है कि अगर इस तरह का केस हो जहाँ पे दो पॉइंट एक्स हो, यहाँ से एक पर्सन यहाँ पे आया और फिर डेस्टिनेशन पहुँचा, मान लो इसकी स्पीड एस वन है और इसने टी वन टाइम लिया है, कोई दूसरा पर्सन वाई से स्टार्ट किया फिर मीटिंग पॉइंट में आया और यहाँ एक्स पे पहुँचा, और इसकी स्पीड मान लो ये S2 है और इसने T2 टाइम लिया, तो इसमें एक सिंपल रिलेशन होता है. और वो क्या होता है कि S1 अपॉन S2 का जो रेशियो होता है वो होता है रूट अंडर T2 अपॉन T1 का. यही सेम फंडा हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, थ्योरेटिकली प्रूफ करके बताया हुआ है कि ये कैसे होता है. तो अगर आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहोगे तो आपको ए की स्पीड निकालनी है. तो मान लो ए की स्पीड कितनी है, इस है, तो बी की स्पीड आपको क्या गिवन है, 28 गिवन है, और ये किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रूट अंडर टी टू, इट मीन्स ये वाला टाइम यानी 8, और टी वन का वैल्यू किसके इक्वल है, वो है आपका 49/8. यहां पर लिखा हुआ 6 1/8, इट इज लाइक समथिंग ऐसे गिवन है. तो आप क्या लिखोगे, 49/8. तो आप इसको लिख सकते हो 64/49 और ये होगा रूट अंडर. सो अल्टीमेटली आएगा s by 28 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/7. 7 से ये 4, तो आपको s मिल जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर. सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. मैंने इसका प्रूफ क्या होता है उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहां पे जाकर जरूर देख लेना. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.